नान खटाई बनाने के लिए पहले आपको 1 कप मैदा लेना है, 2 टेबलस्पून सूजी लेनी है, 2 टेबलस्पून आपको बेसन लेना है। अब इन सबको हम मिला लेंगे अच्छे से। अब इसको हमने अच्छे से मिला दिया। ये हमने आधा कप से ज़्यादा घी लिया हुआ है, अब इसको डालेंगे। और ये चीनी हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, इसको भी डालना है इसमें। अब इसको मिलाएंगे अच्छे से, खूब अच्छे से फेंटना है इसको। ये अब हमारा अच्छे से फेट चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इलायची डालेंगे पिसी हुई, फिर उसके बाद बेकिंग पाउडर थोड़ा सा। अब इसको फिर अच्छे से मिलाएंगे। इसमें ये जो मिक्सर हमने बनाया हुआ था वो डालेंगे अब इसमें। अब इसको भी मिला देंगे अच्छे से, चला देंगे। अच्छे से मिलाना है इसको। अब इसका ऐसे ही डो बना लेना है। अगर आपको लगे कि ये ड्राई है तो आपको इसमें थोड़ा सा दूध डाल देना है। उसके बाद इसको अच्छे से मिलाने के बाद डो बना लें। ये हमारा डो बन के रेडी हो गया, देख सकते हैं। अब आपको ऐसे ही कढ़ाई या कुकर लेना है, फिर आपको इसमें नमक डालना है। फिर गैस को ऑन करना है, इसको कुछ देर के लिए गर्म होने के लिए ऐसे छोड़ देंगे। वैसे प्लेट लेना है, और प्लेट लेने के बाद क्या करना है, इस पर घी लगा देना है अच्छे से, देख सकते हो आप लोग। घी लग गया है। ऐसे ही बना लेना आप लोग को सारे जितने हैं ये। अब ये मेरा नान खटाई रेडी हो गया है, मैं किसी के रखा नहीं है वहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे ही कट लगा देंगे चाकू से। सारे में ऐसे ही कट लगा देंगे। उसके बाद आप इस पे पिस्ता भी रख सकते हो इसके ऊपर, या फिर बादाम रख सकते हो। अब ये मेरा कढ़ाई गरम हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, 7 से 8 मिनट गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब इस पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखें, कटोरी रख दी है ऐसे, स्टैंड भी आप रख सकते हो अगर आपके पास हो तो। मेरे पास नहीं था तो हमने कटोरी रख दी है। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर ये जो हमने बनाया हुआ था ये रख देंगे। उसके बाद इसको ढक देंगे। अब इसको चेक करेंगे
हुआ या नहीं देखेंगे। देखिए फूल के हो गया है, नीचे से ब्राउन हो गया है। प्रोसेस मैं आपको और बताती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। अगर आपको बेक करके नहीं बनाना है स्टैंड पे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके नीचे एक तवा रख लेना है, उसके बाद ये कढ़ाई, क्योंकि डायरेक्ट आप कढ़ाई नहीं रख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमने बनाया हुआ है ये एक एक करके ऐसे ही सारा इसमें रख लेना है। और सिर्फ सिर्फ इसको 5 से 7 मिनट के लिए ही बेक करना है। उसके बाद इसको ऐसे ही ढक देना है, चेक करें हुआ है या नहीं। देख सकते हो आप, ये बनके रेडी हो गया। बनके रेडी हो गया, क्या करेंगे गैस ऑफ कर देंगे। ये हमारा बनके रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप। ये जो हमने बेक करके बनाया था स्टैंड पे, और ये जो हमने तवे पे अकॉर्डिंग बीच में ऐसे चिपटा कर लेना है। अब ये जो हमने डो बना के रखी हुई थी, इसको छोटे छोटे ऐसे ही बना लेना है। ऐसे देख सकते हो, या तो आप बड़े बड़े बना सकते हो अपने साइज